हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरटीआई का फॉर्मेट। तो देखिए, ये आपके बीए सिक्स सेम के लिए और जो भी प्राइवेट बीए कर रहे हैं उनके थर्ड ईयर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए, आरटीआई का फॉर्मेट है ये। अगर आपसे एग्ज़ाम में आरटीआई एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाए, कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन आएगी, तो आपको क्या करना है, सेम मेथड जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसी मेथड से इस आरटीआई को करके आना है। आपके एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हाउ टू राइट आरटीआई, आरटीआई को कैसे राइट करें। अब आरटीआई होता क्या है, तो देखिए आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका अधिकार है कि आप जिस डिपार्टमेंट में, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस भी आप कह सकते हो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सब आपको सूचना के अधिकार के तहत प्रदान की जाती है। यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार आपको दिया गया है, जो दिया गया था 2005 में। 2005 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमें ये अधिकार दिया कि अगर हमें कोई सूचना पानी है किसी डिपार्टमेंट से, किसी भी विभाग से, तो हम ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं उस डिपार्टमेंट को और हम उससे वो सूचना पा सकते हैं, चाहे वो हमारी जॉब से रिलेटेड है, क्वालिफिकेशन से, किसी भी चीज़ से वो रिलेटेड है। तो हर इशू से रिलेटेड एप्लीकेशन के लिए हम आरटीआई लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए जो ये आरटीआई है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपकी बुक से लिखा है कि कैसे आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ आएगा राइट एन आरटीआई एप्लीकेशन, कि एक आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन आपको लिखनी है। टू गेट इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है। गेट होता है प्राप्त करना, पाना कोई चीज़, तो हमें इंफॉर्मेशन पानी है। अबाउट, किसके बारे में। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ द 2020 and 2021 बैच अप्लाइड फॉर रिवेल्यूएशन एंड वेन वॉज देयर रिजल्ट डिक्लेयर्ड। तो हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई स्कूल है, किसी से भी हम ये इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं कि 2020-21 के बैच में कितने स्टूडेंट्स ने रिवेल्यूएशन के फॉर्म फिल किए थे और उनका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया गया। हम इसके बारे में उस डिपार्टमेंट से, जो इसका कंसर्न डिपार्टमेंट है, इससे जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, उससे हम ये इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें आरटीआई एप्लीकेशन लिखनी है। सेकंड देखिए एग्जांपल, यहाँ पर मैंने लिखा है राइट, सेम इसी तरह से राइट एन आरटीआई एप्लीकेशन टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच एक्सपेंडिचर ऑफ द 2019-20 सेशन ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी, कि म्यूनसिपल कमेटी है जो हमारी कमेटीज़ होती है, आपको पता है कमेटी में क्या होता है, जो हेल्थ से, क्लीननेस से रिलेटेड जो हमारी क्या होती है, सफाई कर्मचारी जहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं और वे सब क्या करते हैं, वहाँ पर कितना खर्च होता है उन पर या किसी भी कमेटी से रिलेटेड काम पर, तो उस खर्च का ब्यौरा हमें चाहिए कि इस कमेटी में, म्यूनसिपल कमेटी में कितना खर्चा हुआ है, उसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर आरटीआई एप्लीकेशन लिखते हैं। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने लिखवाए थे, देर इज़ नो यूज़ ऑफ देम, इनका कोई यूज नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मेट क्या रहेगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ऐसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे टू से। सबसे पहले जो हमें राइट करना है वर्ड, वो होगा टू। और हमें कहाँ लिखना है, ये कौन सी साइड है, ये हमारी लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड में पेज पर हम राइट करते चलेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है टू, और ये टू कौन है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, हमारी आरटीआई एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आरटीआई एप्लीकेशन जिसके पास हम भेजना चाहते हैं, ये हमारा रिसीवर होता है। रिसीवर कौन होता है, जो रिसीव करता है, जो प्राप्त करता है हमारे द्वारा लिखी हुई एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है रिसीवर एड्रेस। तो देखिए कई आरटीआई एप्लीकेशंस में
जो हमारा सेंडर होता है उसका भी एड्रेस पहले से लिख दिया जाता है, पर हम यहाँ पर वो नहीं लिखने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट रिसीवर एड्रेस से, क्योंकि हमारा जो भेजने वाले का है वो सारा कुछ हमारा इसके अंदर ही आ जाएगा। क्योंकि हम अगर इस फॉर्मेट को और बड़ा बनाना चाहते हैं, मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो हम इसको इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे कि हम किसके पास ये एप्लीकेशन भेज रहे हैं। टू लिखकर यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उसका नाम लिखना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने अभी एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने क्या देखा कि हम एप्लीकेशन किसके पास लिख रहे हैं, स्कूल या यूनिवर्सिटी की बात है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात है। तो स्टूडेंट्स वर्ड देखते, टीचर वर्ड देखोगे, स्कूल यूनिवर्सिटी ये वर्ड्स देखते आप समझ जाओगे कि हम ये स्कूल या यूनिवर्सिटी को लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स देखा या फिर टीचर देखोगे, स्कूल यूनिवर्सिटी कोई भी वर्ड दिखता है आपको समझ जाना कि ये किससे रिलेटेड है, स्कूल या यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट से, स्कूल या यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से। आपकी देखिए RTI एप्लीकेशन जो आती है एग्ज़ाम में वो या तो स्कूल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होगी या फिर कोई ऐसा इशू उठाया जाएगा, चाहे रोड से रिलेटेड हो सकता है कि रोड सही नहीं है तो उसके बारे में हम उसकी कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं कि क्यों यहाँ पर अभी तक सुधार नहीं किया गया है, तो ऐसी एप्लीकेशन आ सकती है। तो यहाँ पर हम जो RTI लिखने वाले हैं फर्स्ट से लेकर चलते हैं इससे रिलेट करके। सबसे पहले हमने लिखा टू के बाद हमने लिखना है उस डिपार्टमेंट का नाम। तो यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर इस डिपार्टमेंट नेम की जगह पर, ये आपको एग्ज़ाम में राइट नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। इसकी जगह पर आप राइट करोगे दी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आता है तो आप ये लिख देना दी इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर ये आपको यहाँ नहीं लिखना है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, द इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर द स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, दोनों ही आपके करेक्ट रहेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास है प्लेस। अब देखिए ये लिखने के बाद ये हमारा कंप्लीट एड्रेस नहीं है, ये हमने लिखा है इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास हमारी RTI एप्लीकेशन। पर जो ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ये किस डिपार्टमेंट का है उसके बारे में हमें बताना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, टू के बाद हमने लिखा डिपार्टमेंट का नेम, उस डिपार्टमेंट का नेम बाद में लिखेंगे, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम लिख किसको रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दी स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये आप कंप्लीट लिख लेना इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि फुल वर्ड में। उसके बाद हम लिखेंगे कि इस स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये कहाँ का ऑफिसर है, तो यहाँ पर हम उस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे जिससे रिलेटेड हमारी RTI एप्लीकेशन है। अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है तो यहाँ पर उस स्कूल का कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नाम आपको राइट करना है। मान लीजिए ये है KUK से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप लिखोगे कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा, यानी कि फुल लेटर में आपको ये लिखना है कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा। उसके नीचे आपको लिखना है प्लेस, इस प्लेस की जगह आपको ये यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, मान लीजिए कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी है या फिर हमारी सिद्यानंद यूनिवर्सिटी है, CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, कोई भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, तो उसका नेम लिखोगे इसके नीचे। और फिर ये कहाँ पर है उस प्लेस का नाम, अगर बंसीलाल यूनिवर्सिटी है आपको पता है भिवानी में है, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है कुरुक्षेत्रा में, तो प्लेस की जगह आपको क्या लिखना है कुरुक्षेत्रा। उसके बाद पिन जरूरी नहीं है लिखना, अगर चाहो तो आप यहाँ पर पिन छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर एक बार क्लियर हो चुकी होगी कि हमें कैसे ये RTI फॉर्मेट लिखना है, जो रिसीवर है उसका एड्रेस कैसे लिखना है। उसके बाद देखिए आपने यहाँ टू लिखा द इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसके नीचे लिखा कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा, फिर प्लेस का नाम लिखा कुरुक्षेत्रा, पिन छोड़ देना है या फिर राइट कर सकते हैं अगर आपको पता है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, एक लाइन यहाँ पर आप छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको सेम ये लाइन्स राइट कर देनी है, यानी कि जो हमारी ये लाइन है कंप्लीट आपको वहाँ पर लिख देनी है। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, सीकिंग इंफॉर्मेशन, सीकिंग होता है पाना, पाना चाहते हो, खोजना चाहते हो जो आप,
सीकिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सूचना अंडर सेक्शन 6, क्योंकि हमारा जो RTI का सेक्शन 6 है, भाग 6 है, उसमें हमें सूचना का अधिकार ये मिला है ऑफ RTI एक्ट 2005 के भाग 6 के RTI एक्ट अनुसार मैं ये इंफॉर्मेशन पाना चाहता हूँ। तो ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए आपको लिखना है इस सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या उठाओगे आप, यहाँ पर एक लाइन छोड़ दोगे ये सब्जेक्ट लिखने के बाद। फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना है। अब ये सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन होता है किसी को ग्रीट करना, ग्रीटिंग यानी किसी का अभिवादन करना, कि आप उसे सर मैडम कहकर बुलाते हैं, यानी कि क्या कहोगे, सर या मैडम यहाँ पर आप लिखोगे। इसकी जगह सैल्यूटेशन की जगह क्या लिखा, सर या मैडम, जो भी आप लिखना चाहो सर लिख देना ठीक रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखना है IM। अब आप खुद का एड्रेस बता रहे हो कि मैं हूँ कौन, कि मैं लिखने वाला हूँ, जो RTI एप्लीकेशन लिख रहा हूँ वही हूँ मैं। तो IM लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है अपना नेम, क्या लिखोगे IM के बाद, अपना नाम। फिर सन ऑफ या डॉटर ऑफ, तो डॉटर ऑफ है तो DO यहाँ पर डालोगे, अगर सन ऑफ है तो S/O डालोगे। सन ऑफ यहाँ पर फादर नेम लिखना है, यहाँ पर खुद का नाम, यहाँ पर फादर नेम, और यहाँ पर रेजिडेंस, R का मीनिंग क्या रहेगा, रेजिडेंस, रेजिडेंस होता है निवासी, कि आप कहाँ के निवासी हो। तो यहाँ पर अपने सिटी का नाम लिखना है, जिस सिटी में आप रहते हो, जिस विलेज में रहते हो। फिर आपका मोबाइल नंबर और फिर ईमेल ID यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद देखिए ये आपको इतना समझ आया होगा कि कैसे राइट करना है। एक बार और इसको क्लियर करके मैं आपको यहाँ तक का रिपीट कर देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, टू के बाद लिखा दी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यहाँ पर दी इंफॉर्मेशन ऑफिसर। फिर डिपार्टमेंट का नाम, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा, या फिर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी आपको बतानी है वो। अगर वो नहीं लिखना है, मान लीजिए अदर थिंग से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मान लीजिए मार्केट म्यूनसिपल कमेटी से रिलेटेड है, तो आप क्या लिखोगे, म्यूनसिपल कमेटी। फिर जो भी आपकी सिटी है उसका नाम यहाँ पर, यानी कि कौन सा प्लेस है इस डिपार्टमेंट का या फिर इस जगह का। उसके बाद आपने पिन छोड़ देना है, लिखना है आपकी मर्जी है। फिर आपको लिखना है सेम, ये लाइन है जो सेम लाइन लिखनी है, और फिर एक लाइन छोड़कर आपको यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखना है, यानी कि यहाँ पर आप सर या मैडम लिखोगे। फिर आप यहाँ पर अपना नेम, और फिर यहाँ पर फादर नेम, रेजिड। उसके बाद देखिए दी अंडर साइंड में प्लीज़, यहाँ पर आप ID के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगाओगे और फिर ये लाइन स्टार्ट कर दोगे। दी अंडरसाइंड, अंडरसाइंड होता है जो साइन करके दे रहा है, यानी कि या तो वो अकेला इस एप्लीकेशन को लिख रहा है, या फिर वो सभी को यहाँ पर मिलाकर पूरा ग्रुप है जो ये एप्लीकेशन लिख रहा है और RTI चाहता है, इंफॉर्मेशन चाहता है, यानी कि या तो सिग्नेचरी होगा, सिग्नेचर करने वाला, या फिर को सिग्नेचरीज जो सब मिलकर यहाँ पर साइन कर रहे हैं, वो होते हैं अंडरसाइंड। The undersigned may please be furnished the desired information under RTI Act 2005। कि यहाँ पर मैं सिग्नेचर करने वाला या फिर मेरे साथ जितने भी हैं हम सब मिलकर जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर desired information चाहते हैं। Desired mean जिसके वो योग्य है, वो जानना चाहते हैं, यानी कि वो अपने इच्छानुसार information चाहते हैं इस एक्ट के तहत, अंडर RTI एक्ट 2005 के RTI एक्ट के तहत हम क्या पाना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। और इसकी पूरी लाइन की अगर आप हिंदी बनाना चाहो तो वो क्या होगी, कि हम हस्ताक्षरकर्ता इस अधिनियम के तहत वांछित जानकारी पाना चाहते हैं और आपके द्वारा ये जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है, ये इसकी कंप्लीट हिंदी रहेगी। एज पर द रूल, और इस रूल के अकॉर्डिंग यानी कि रूल के अनुसार, द रिक्विजिट फीस, रिक्विजिट होता है ज़रूरत के अनुसार, यानी कि जितनी फीस लगती है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, उतनी फीस हमने यहाँ पर लगाई है ऑफ RS 10, 10 रुपये की रिक्विजिट फीस, ज़रूरत की जो फीस है वो हमने लगा दी है, 10 रुपीज़ डिपॉजिट हमने कर दी है। वाइड IPO रिसिप्ट नंबर, यहाँ पर आप रिसिप्ट नंबर लिखोगे,
जो भी नंबर आप लिखना चाहो, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर डेट राइट करोगे कि डेट क्या है जब आप ये RTI एप्लीकेशन लिख रहे हैं। इस अटैच्ड हेयर विद, यहाँ पर हम ये अटैच कर रहे हैं जो हमारा क्या है, यहाँ पर ड्राफ्ट है, रिसिप्ट है हमारी। रिसिप्ट नहीं होता वैसे, ये रिसीट कहा जाता है, पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर रिसिप्ट ही बोलूँगी, वैसे ये रिसीट होता है। एक बार इसको क्लियर करके मैं आपको दिखा देती हूँ ये क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर करते हुए वांछित जानकारी चाहते हैं, डिजायर्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं अंडर RTI एक्ट 2005 के RTI एक्ट के अंडर, और रूल के अनुसार हम ज़रूरत की जो फीस है यानी जो फीस लगती है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग 10 रुपीज़, वो हम डिपॉजिट करवा रहे हैं इस रिसिप्ट नंबर के द्वारा, और ये डेट ये है और अटैच्ड हेयर विद, और हम यहाँ पर ये अटैच कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखना है मेन इशू या प्रॉब्लम। मान लीजिए यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम क्या थी, स्टार्टिंग में आपने देखा है जो हमने एग्जाम्पल लिखा था, तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम क्या चाहते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ द 20 and 21 बैच अप्लाइड फॉर रिवेलुएशन, तो हम ये इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एक रीजन देंगे, प्रॉब्लम देंगे कि प्रॉब्लम क्या रही है, हमें क्यों यहाँ पर RTI लगानी पड़ी, तो उसकी प्रॉब्लम बताएंगे। तो हम यहाँ पर प्रॉब्लम में दे सकते हैं कि आपके द्वारा जो रिजल्ट है, ये हमने रिवेलुएशन का एग्ज़ाम दिया था पर आपके द्वारा रिजल्ट लेट करवा दिया गया, जिसके कारण हम नेक्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं ले पाए, एनरोल नहीं कर पाए, तो ये आप रीजन यहाँ पर दे सकते हो। और इसी कारण हम चाहते हैं RTI लगाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इसका रीजन क्या था, तो सॉलिड रीजन आपको यहाँ पर चाहिए कि आपने रिवेलुएशन का एग्ज़ाम दिया, आपके द्वारा रिजल्ट लेट दिया गया, इसके कारण हमारा एडमिशन नहीं हो पाया और इसलिए हम यहाँ पर RTI लगा रहे हैं, हम पता करना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में है, तो यहाँ पर हम यहाँ प्रॉब्लम देंगे कि ये प्रॉब्लम थी जो मैंने अभी आपको बताई है। देयरफॉर इसी कारण यहाँ पर आप जिस भी एप्लीकेशन से रिलेटेड मुद्दा होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए रोड्स की कंडीशन के बारे में है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि रोड्स की कंडीशन कैसी है, कि कैसे वो ब्रोकन है, ड्रेनेज सिस्टम बेकार है यानी कि नालों की व्यवस्था नहीं है, सफाई नहीं होती है यहाँ पर, क्लीनिनेस की सुविधा नहीं है, तो ये सभी प्रॉब्लम आप यहाँ पर बताओगे। और उसके बाद प्रॉब्लम के बाद आप ये लाइन सेम लिखोगे जो मैंने लिखी है, यहीं से आपके मार्क्स बन जाएंगे। देयरफॉर इसी कारण अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 आई सीक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, मैं ये इंफॉर्मेशन आपसे चाहता हूं इस एक्ट के द्वारा। उसके बाद देखिए यहां पर आप कैसे लिखोगे, जब आप ये इंफॉर्मेशन लिखने के बाद क्या करोगे, फ्रॉम यू, यू के बाद आपको ये 2 डॉट्स लगाने हैं जो कॉलम होते हैं ये लगाने हैं, उसके बाद आप नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से लाइंस बनाते जाएंगे यानी कि क्वेश्चन करते जाएंगे, ये हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे आप क्वेश्चंस बना सकते हो, इसका ईजी मेथड मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आप हाउ को याद रख सकते हैं कि कैसे ऐसा हुआ, हाउ मैंने, कितने जो यहाँ पर स्टूडेंट्स थे, मान लीजिए स्टूडेंट्स की बात है तो आप स्टूडेंट्स लिखोगे कि कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। पर यहाँ पर देखिए जो भी क्वेश्चन आप बनाओगे उनके बाद आपको पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा, तो ये पास्ट टेंस, यहाँ भी पास्ट टेंस, पास्ट पास्ट, क्योंकि जो हम RTI लगा रहे हैं वो हमारी पिछली चीज़ पर बेस्ड होती है, तो हमेशा आपको यहाँ पर मान लीजिए क्या लिखा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स बर, पास्ट में गया बर, एंड वट वॉज द कंडीशन, When was the exam conducted, ED लगा दिया second form, why the result not declared, ED लगा दिया। तो ऐसा करते हुए आप याद रखोगे कि जब भी आप क्वेश्चन बनाते जाओगे इस तरह से आप हर एक RTI में क्वेश्चन बना सकते हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, और सेकंड में व्हाट से बना सकते हैं, व्हेन से, व्हाई से, और भी क्वेश्चन आप यहां पर वेयर से या कैसे भी बना सकते हैं जो आपको लगे कि बन सकते हैं। उसके बाद लास्ट में है योर सिंसियरली, यानी कि हमें क्या देना है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट देते हुए क्लोज करते हैं हमारी एप्लीकेशन को। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख देना योर सिंसियरली, इसको आप काट देना, ये लाइन राइट नहीं करनी है।
योर सिंसियरली लिखने के बाद यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं आपको, और फिर यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर डेट लिखकर यहाँ पर डेट राइट कर देनी है। तो ये है हमारा RTI का फॉर्मेट। अगर आपको समझ ना आया हो तो एक बार और आप इस लेक्चर को रिपीट करके देखना, वीडियो को पॉज करके देखना। तो अगर आपको ये समझ आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। थैंक यू।